हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके फ्रेंड प्रीति और आज हम बनाएंगे सैंडविच, वेज सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहां पे एक कटोरी, देखिए, पत्ता गोभी ली है, इसको कैबेज भी कहते हैं। और ये यहां पे मैंने एक शिमला मिर्च काट ली है, बारीक बारीक इसको काट लिया है मैंने। एक टमाटर काट लिया है बारीक बारीक और दो मीडियम साइज की अनियन। यहाँ पे मैंने हाफ ऑरेंज वाली गाजर काट ली है और ये मैंने आधा खीरा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, ये हमने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी कैबेज। ये मैंने एक हरी मिर्च काट ली है बारीक बारीक, इस हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये अपने अनियन ऐड कर देंगे, अनियन, गाजर, खीरा, शिमला मिर्च और ये टमाटर। इसके अंदर हमने अपनी सारी सब्जियां मिक्स कर ली हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने अपनी सारी सब्जियां मिक्स कर ली हैं, इसको एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सब्जी अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करके। अब इसमें ऐड करेंगे हम, ये मैंने 3 बड़ा चम्मच मेयोनी ली है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैंने यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च ली थी और इनको दरदरा कूट लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेयोनी के बिना भी ये सैंडविच बना सकते हैं, या फिर अगर आप मेयोनी आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फ्रेश जो मलाई होती है ना हमारे दूध की, उसको भी मेयोनी की जगह आप यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 स्पून सॉल्ट, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इसमें सब्जियां भी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑर्गानो, ये ऑर्गानो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें ऑर्गानो ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है रेड चिली फ्लेक्स, ये एकदम ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, ये मैंने यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम ब्रेड लेंगे और मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिए, आप चाहे तो इस पे सैंडविच चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे मैं ये जो टोमेटो केचप है इस पे स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से, ये देखिए। इससे जो है हमारा जो सैंडविच है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स, ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजेस रहती हैं। ये मैंने इसके अंदर अच्छे से कर दिया इसको स्प्रेड, ये देखिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सब्जियां काटे और 5 मिनट में बनके हमारा सैंडविच तैयार हो जाता है। अब हम अपना ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उस पर अपनी हमने जो ये बनाई थी वेजीज सारी मिक्स करी थी, इसको इस पे ऐसे रख देंगे अच्छे से, ये देखिए। अब इसको ऐसे करके इसको दबा देंगे। अब हम फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पनीर, ये मैंने ग्रेटेड करके रखा है, ये भी ऑप्शनल है। अब हम इसको कवर कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। अब हम इसी तरीके से अपना दूसरा ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने अपना दूसरा ब्रेड भी केचप लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजेस रख देंगे, ये बहुत ही हेल्दी है और जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अब हम इस पे ऐड करेंगे फिर से इसके ऊपर पनीर, ये ग्रेट करके ले लिया है मैंने। अब इन दोनों को कवर कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। अब हम फ्रेंड्स, अब हम इन्हें तवे पर अपने सेकेंगे।
ये यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है फ्रेंड्स, आप यहाँ कोई भी तवा यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे घी, आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या घी का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो हम घी इस पे अच्छे से लगा देंगे। और तवा जो है हमारा गरम हो चुका है, तवा हम बहुत ज्यादा गरम नहीं करेंगे, अगर हम तवा बहुत ज्यादा गरम कर देंगे तो इसपे ब्रेड रखते ही वो नीचे से जल जाएगा। तो हम अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे रखेंगे और इस पे हम अपना ब्रेड रख देंगे। हम अपनी फ्लेम मीडियम लो कर देंगे और इनको अच्छे से सिकने देंगे। इसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा घी और डाल देंगे ताकि जो हमारे ब्रेड है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हम इनको एक मिनट तक इस तरह से सिकने देंगे। अब हम अपने ब्रेड चेक करेंगे, ये मैंने एक पलटा लिया है, इसकी हेल्प से हम इसको पलट देंगे। पहले क्या करेंगे, हम इधर भी इस पे घी लगा लेंगे और इसको हम पलट देंगे पलटे की हेल्प से ऐसे। ये देखिए हमारा जो ब्रेड है कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, एकदम बहुत अच्छे से सिक चुका है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया, ये देखिए एकदम अच्छे से ये कुक हो गया है इधर से। हम अपना ये वाला भी जो ब्रेड है इसको भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इसके ऊपर, ये देखिए, और इसको भी हम पलट देंगे और इसको भी इधर से मीडियम स्लो गैस पर एक मिनट इसको भी कुक होने देंगे। हम अपना जो सैंडविच है इसको पलट के देखेंगे, ये देखिए इधर से भी क्रिस्पी हो गया है और जो हमारा सैंडविच है एकदम बनकर रेडी है। इस वाले को भी चेक करेंगे, ये देखिए ये भी क्रिस्पी हो गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे सैंडविच बने हैं। तो इन्हें हमें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए हमें 2 मिनट का टाइम लगा है। तो अब हम अपने ब्रेड एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से इसको बीच से कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मियोनी सैंडविच बनकर ये देखिए तैयार है। देखिए कितना अंदर से क्रीमी है, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर ट्राई करें। इस तरीके से हम अपना दूसरा जो सैंडविच है उसको भी काट लेंगे। इस तरीके से हमारे सारे सैंडविच बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए इस तरीके से आप अपने सैंडविच बना सकते हैं और तवे पर भी। इसके लिए हमें किसी टोस्टर की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे क्रिस्पी सैंडविच बनकर एकदम तैयार है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है और आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी झटपट बनाकर दे सकते हैं या आप इवनिंग स्नैक्स या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।